हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन चाउस किचन। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बांगड़ा फ़िश फ्राई, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ ये फ़िश फ्राई की रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये मैंने ली हूँ कुछ मसाले, ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है 3 चम्मच, ये हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, और ये गरम मसाला पाउडर है 2 चम्मच, और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये सब सारे मसालों को मैं रखूँगी साइड में। ये मैंने बांगड़ा ली हूँ, बांगड़े को मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ, वॉश करके साफ़ करके 3 से 4 पानी से अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी पाव टुकड़ा नींबू का रस, नींबू के रस को मैं अच्छे से निचोड़ लूंगी इसमें, ये देखिए इस तरीके से। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे फ़िश फ्राई, सिंपल फ़िश फ्राई की रेसिपी, वो भी आप लोग जाकर ज़रूर देख लेना। ये देखिए सारा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दी हूँ। अब मैं इसको हाथों के हेल्प से सारे मसाले को फ़िश में मिला लूँगी अच्छे से अलट पलट करके। अगर आप लोग चाहे तो पहले मसाला मिलाकर भी लगा सकते फ़िश में, और इस तरीके से भी लगा सकते। ये बहुत ही झटपट मुझे बनाना था इसलिए मैंने ऐसी डाल दी ऊपर से मसाला, और सारे फ़िश को लगा दी अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से सारा मसाला मैंने लगा दी हूँ फ़िश में। अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए आधा घंटे तक रख दूँगी। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, मैरिनेट हो चुकी है फ़िश अच्छे से। अब मैं एक गेहूं का आटा लूँगी एक प्लेट में, और अलट पलट करके फ़िश को लगा लूँगी उसमें, और फिर थोड़ा सा झटक कर ऐसे तवे पे गरम तेल में डाल दूँगी। तेल को अच्छे से गरम कर लूँगी मीडियम आँच पे। ये देखिए दूसरी भी फ़िश मैंने ले ली हूँ। इस तरीके से मैं आटा लगाऊँगी इस पर हल्का हल्का सा, और ऐसे ऐसे झटक कर डाल दूँगी ये भी। इसी तरीके से मैं सारी फ़िश ऐसी फ्राई करके ले लूँगी। ये देखिए सारी डाल दी हूँ। अब मैं इसे अलट पलट करके अच्छे से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और मैंने ऑयल का यूज़ बहुत कम करी हो, आप लोग चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से कुरकुरी मैंने इसे कर ली हूँ, रेडी हो चुकी है हमारी बांगड़ा फ़िश फ्राई। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। ये देखिए सारी फ़िश फ्राई को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी फ़िश फ्राई। इसी तरीके से मैं और भी फ़िश फ्राई करते जाऊँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।